हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी बारह खड़ी पढ़ने जा रहे हैं। बारह खड़ी क्या होता है? जब हम स्वरों की मात्राएं व्यंजनों पर लगाते हैं। स्वरों की मात्राएं लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था, पढ़ लिया था, और व्यंजन वर्ण भी हम लोगों को मालूम है। तो जब वो दोनों जोर के लिखा जाता है उसे बोलते हैं बारह खड़ी। बारह मतलब 12, बारह खड़ी कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सब मात्राएं, स्वरों की मात्राएं लिख लिया है, तो उसी का अनुस्वर हम लोग बारह खड़ी सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये अ का मात्रा है, आ का मात्रा, ई का मात्रा, बड़ी ई, ई, उ, उ, ए, ओ, औ, अंग, आ। तो ये सब, ये मात्राएं व्यंजनों पे कैसे लगाते हैं, चलिए देखते हैं। व्यंजन का पहला लेटर, पहला अक्षर क्या है? क। तो हम लोग शुरू करेंगे क से। जैसा ये मात्रा, अ का मात्रा कुछ नहीं है, मतलब जो शब्द, जो अक्षर पहला है उस पे कोई मात्रा नहीं लगेगा, क। इसके साथ क, क के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? ये मात्रा। सो ये मात्रा जब लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? का। फिर क के साथ हम लोग ये मात्रा लगाएंगे तो ये मात्रा लगाने से ये क्या बन जाएगा? की। क के साथ ये मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा की। इसे भी की और इसे भी की ही बोला जाता है। ये क का मात, क, क के साथ ये मात्रा लगाने से उ, ये बन जाएगा कु। क के साथ उ का मात्रा तो ये बन जाएगा कु। क के साथ ए का मात्रा तो ये बन जाएगा के। क के साथ ए का मात्रा तो ये बन जाएगा के। क के साथ ओ का मात्रा तो ये बन जाएगा को। क के साथ औ का मात्रा तो ये बन जाएगा कौ। को, कौ। क के साथ अंग का मात्रा तो ये बन जाएगा कंग। और इसके साथ ये बन जाएगा क। तो ये क्या हुआ? क, का, की, कु, कु, के, कै, को, कौ, कं, का। अब आप लोगों को जब हिंदी पढ़ेंगे तब आप लोगों को ये इसके साथ सहायता हो मिलेगा। फिर से एक बार और पढ़ते हैं। क, का, की, कु, कु, के, कै, को, कौ, कं, का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सेम वे ऐसा ही ख, नेक्स्ट जो भी व्यंजन वर्ण आप लोग लगाएंगे प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही बनेगा। जैसा देखते हैं, ये हुआ ख। ख के साथ आ का मात्रा तो ये बन जाएगा खा। ख के साथ ई का मात्रा तो ये बन जाएगा खी। ख तो खी।
ये हो गया खू। खू खे खई खो खौ खंग तो ये बन गया। तो आप लोगों को अब आसानी हो जाएगा जब आप लोग हिंदी पढ़ेंगे। ख खा खी खू खू खे खई खो खऊ खं खा। समझ में आ गया? पर आप लोग हमेशा याद रखिए कि जब आप लोग व्यंजन वर्ण का बाराखरी लिखेंगे तब ये जो शब्द है इसका ये स्पेशली ये तीन का बाराखरी नहीं बनना चाहिएगा। एक और ले लेते हैं। ज ज तो पहला शब्द का मात्रा कोई नहीं तो कुछ नहीं लगाएंगे। ज के साथ आकर तो जा, ज के साथ ई तो जी, ज के साथ ई तो ई जी, जू जू, जे जे, जो जो, जंग जा। तो आप लोग का हमेशा प्रोनाउंसिएशन एक ही तरह का लिया जाएगा। ज जा जी जी, जू जू, जे जय, जो जो, जंग जा। ठीक है। क का भी सेम, खा का भी सेम। जब आप लोग ये शब्द देखेंगे किताबों में तो आप लोगों को अब समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रनाउंस किया जाता है। आई होप ये आप लोगों को मदद करेगा हमेशा हिंदी पढ़ाई पढ़ने के लिए। हम लोगों ने स्वर वर्ण पढ़ लिया है, व्यंजन वर्ण पढ़ लिया, मात्राएं भी सीख लिया, उसके साथ बाराखरी का प्रयोग भी हम लोगों ने सीख लिया है। अब चलते हैं मात्राओं का शब्द के साथ। मतलब कुछ शब्द आप लोगों को दिखाया जाएगा, मतलब मैंने लिखा है, आप लोग देखिए किस तरह से लिखा है और कैसे प्रनाउंस किया जाता है, उच्चारण कैसे करते हैं। ठीक है। मात्राएं का शब्द, तो मात्राओं कैसे यूज करना है वो देखेंगे। और का कोई मात्रा नहीं होता, किसी इसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो अ का कोई मात्रा नहीं होता है तो इसका शब्द बनेगा। अब और भी सारा है पर हम मैंने पांच ही चुन के लिया है। ठीक है। अब अब कब, कलम कलम, सहर सहर, शब सब। आ का मात्रा ये होता है तो आ के साथ देखते हैं क्या क्या शब्द बन सकता है। काम काम, आम आम, साथ साथ, बात बात, रात ई, मिल बिल, पिता किताब, किसका ई, पीना पानी, दीदी नीला पीला। आप लोग देख रहे हैं किस तरह से सब पीछे से लिया गया है। परी ई का मात्रा है तो सब पीछे से ही लगाया जाता है। तो देखिए कौन कौन सा शब्द बन रहा है। ऊ का मात्रा मालूम है आप लोगों को किस तरह से लगाया जाता है और कौन कौन सा शब्द बन सकता है देखते हैं। कुछ कू, क ऊ कू,
छ कुछ, खू स खुश, पू ल पुल, गू ला ब गुलाब, खुद खुद, बारी ऊ, ये ऊ ऊ का मात्रा मालूम है पीछे से लिया जाता है, तो कौन कौन सा शब्द आ जाएगा, फूल, धूल, दूध, भूख, आलू, री, ऋषि, फ्रेश, कृपा, अमृत, कृपया, ए, ए का मात्रा होगा ये, तो बन जाएगा शेर, बच्चे, केला, रेल, तेल, ऐ, पैर, सैर, कैसा, जैसा, सैनिक, ओ, ओ, ओ का मात्र ये होगा, तो बन जाएगा को, म, ल, कोमल, को, य, ल, कोयल, सोच, मोर, छोटा, आउ का मात्रा ये है, तो बन जाएगा कौवा, मौका, मौका, मौसम, पौधा, दौर, अंग के साथ जंगल, लंबा, रंग, अंग, बंदर, पंख, आ के साथ दुख, प्रात, नमः, नमः, छ, छात्र, तो ये सब शब्द बन सकते हैं, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, पर मैंने यहाँ बस पांच पांच ही लिया है ताकि आप लोगों को आसानी रहे, ठीक है। ये सब शब्द पढ़ने के लिए आप लोगों को बारह खरी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अगर उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर पाएंगे तो कोई भी शब्द आप लोग पढ़ सकेंगे। तो ये सारे चीज़ें जब जोर के आप लोगों को मालूम रहेगा तो हिंदी पढ़ने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा और आप लोग अब से हिंदी को पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं उठाना पड़ेगा। थैंक यू।